सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बारिश के बाद सोनीपत गोहाना रेलवे ओवर ब्रिज की सड़क धस गई थी, जिसके बाद सड़क को ठीक कर दिया गया था, लेकिन सड़क एक रात की बारिश भी सहन नहीं कर पाई और दोबारा फिर ओवर ब्रिज की सड़क धस गई थी। अब बारिश रुकने के बाद ओवर ब्रिज की रिपेयरिंग का कार्य दोबारा शुरू करवा दिया गया है। ओवर ब्रिज की 200 मीटर एरिया में खुदाई के बाद रिपेयरिंग का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं सोनीपत एसपी और डीसी ने सोनीपत शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि सोनीपत के गोहाना रोड पर करोड़ों की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज बनाया गया था, लेकिन उसके बाद स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाए कि इसमें मिलीभगत की गई है, जिसके कारण ये कभी भी सड़क बैठ सकती है और समय रहते अधिकारी नहीं जागे और जिसके बाद जब बारिश आई तो ओवर ब्रिज की सड़क धस गई। वहीं उस समय भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई और खाना पूर्ति कर अधिकारी लौट गए और अगली ही रात बारिश आई और एक रात की बारिश ओवर ब्रिज की सड़क सहन नहीं कर पाई और फिर से ब्रिज की सड़क धस गई, जिसके बाद सोनीपत डीसी और आला अधिकारियों ने ओवर ब्रिज का दौरा किया और जल्द ही इसके रिपेयरिंग के कार्य का आश्वासन दिया था और अब रेलवे ओवर ब्रिज के रिपेयरिंग का कार्य शुरू करवा दिया गया है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आपको बताइए कि शहर में गोहाना रोड पे आरओबी के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कंजेशन पॉइंट्स बने हुए हैं। हमने ट्रैफिक में अपनी मैन पावर भी बढ़ाई थी और कई जगह से हमने पॉइंट्स को डाइवर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कंजेशन इशू बना हुआ है। तो वी आर होपफुल कि कल शाम तक जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। उसके अलावा जो बाकी ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर भी हमारा नगर निगम और जो बाकी विभाग हैं उनके साथ मंथन चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है एक ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए हम इसको शहर को ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू करने में, एक बार आरओबी का काम पूरा हो जाए उसको करने में कामयाब। जो आरओबी में रिपेयर का काम चल रहा था वो टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि 200 मीटर की पूरी टोटल खुदाई करके किया गया है, तो उसकी वजह से शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था और जगह जगह ट्रैफिक कंजेशन हो रही थी। तो एसपी साहब और इनके ट्रैफिक की पूरी टीम हम इसकी मुआयना करने के लिए आ जाए। हमने इंजीनियर्स को डायरेक्शन दे दिए कल शाम तक होपफुली ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। पुल का काम जो आरओबी का चल रहा है वो एक्सपीडाइट कर दिया गया है, कल शाम तक हो जाएगा और ये ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है जो डाइवर्सन की वजह से थी वो ठीक हो जाएगी और रिकॉर्ड टाइम में 4 दिन के अंदर अंदर ये पुल रिपेयर कर दिया गया है।